सिंगरौली में जिला प्रशासन लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने चितरंगी में सरकारी जमीन पर बने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग गिराकर धराशायी कर दी। एसडीएम नीलेश शर्मा सरकारी जमीन पर लगातार बढ़ रहे अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम की इस कार्रवाई से रसूखदार और माफिया दहशत में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे लगभग 50 अतिक्रमणकारी हैं जिनकी लिस्ट चितरंगी एसडीएम द्वारा बना ली गई है और उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले प्रशासन ने गिर चौराहे पर सरकारी जमीन पर बने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग को गिरा दिया था। बताया जा रहा है कि गिर चौराहे पर स्थित नानक गुप्ता ने करोड़ों रुपए का मकान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बना लिया था, जिसे तोड़ दिया गया है। इस दौरान एसडीएम नीलेश शर्मा, तहसीलदार कुणाल रावत मौजूद रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चितरंगी में गिर चौराहा जगह है जी। यहाँ पे नानक गुप्ता उर्फ आदित्यनाथ गुप्ता द्वारा अवैध अतिक्रमण करके शासकीय भूमि पर जो है बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी और उसका कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था जी। तो उनको जो है विधिवत बेदखल करके और उनको समय दिया गया था जी। उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो प्रशासनिक बल द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है जी। और इस बिल्डिंग की और प्लस जो जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।